हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 57 और टॉपिक का नाम है एंटी मैनिक ड्रग्स। मैं आपको रिवाइज करा दूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हम कहां तक पहुंच गए। हमने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग या नॉर्सेट, ईएसआईसी, रेलवे या किसी भी बड़े एग्जाम के अकॉर्डिंग, कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम साइकेट्रिक कोड स्टार्ट कर चुके हैं। हमने कहां से शुरुआत की थी? यूनिट 1 टर्मिनोलॉजी से, जिसमें हमने सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी। फिर यूनिट 2 हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, साइकोसिस, न्यूरोसिस, बिहेवियरल और सेक्सुअल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सारा डिसऑर्डर्स हमने कवर कर लिया। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ी साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी में 5 चीज़ें आती हैं, एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटिक, एंटी पार्किंसनिज्म, एंटी डिप्रेजेंट, एंटी मैनिक। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, हमने एंटी साइकोटिक पढ़ लिया, एंटी पार्किंसनिज्म पढ़ लिया, एंटी एंजाइटिक पढ़ लिया, एंटी डिप्रेजेंट पढ़ लिया, लास्ट है एंटी मैनिक ड्रग्स। अब इसके बाद क्या? इसके बाद है साइकोसोशल थेरेपीज। साइकोसोशल थेरेपीज जिस दिन हो जाए, और ईसीटी, ये दो चीज और रह गई हैं। जिस दिन ये साइकोसोशल थेरेपीज और ईसीटी हो जाए, समझ लेना आप बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि 80% सिलेबस कवर हो जाएगा जिस दिन साइकोसोशल थेरेपीज और ईसीटी हो गए। फिर बाकी चलता रहेगा, मैं एड ऑन करता जाऊंगा, प्रोग्राम्स एड ऑन करता जाऊंगा। तो उससे थ्योरीज हैं, जैसे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, वो इरिक्सन वाली थ्योरी है साइकोसोशल डेवलपमेंट वाली, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें एड ऑन करता जाऊंगा। लेकिन इन द केस अगर आपके सडन एग्जाम आ जाते हैं, तो टर्मिनोलॉजी, सारे डिसऑर्डर्स, सारी दवाइयाँ और सारे साइकोसोशल थेरेपी और ईसीटी, ये 5-6 चीज़ें हो गई हैं। दैट मीन्स यू आर गेट रेडी ऑलरेडी कि आप यू कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप अब तक प्लान कर रहे थे कि सर अभी तो सिलेबस स्टार्ट हुआ है, मैं जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, कहीं मेरे एग्जाम आ गए तो क्या होगा, आप 70% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 10% कवर हो जाएगा साइकोसोशल थेरेपीज होते ही और ईसीटी होते ही, जो हम जल्दी ही कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम 10-12 दिन 15 दिन में कवर कर देंगे। तो अब आप हमारे साइकेट्रिक के पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। एंटी मैनिक एजेंट क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं मूड स्टेबलाइजर। जैसे टीवी का वोल्टेज पुराने जमाने में बढ़ जाता था और टीवी फ्लक्चुएट करने लग जाता था, तो टीवी के मूड को भी तो शांत करना पड़ता था, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग का भी वोल्टेज कभी कभी बढ़ जाता है, और इस दिमाग के वोल्टेज को शांत करने के लिए हमें देनी होती है मूड स्टेबलाइजर यानी एंटी मैनिक ड्रग्स। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि मूड स्टेबलाइजर किन दवाइयों को कहते हैं, तो आंसर जाता है लिथियम या एंटी मैनिक एजेंट। ये दवाइयाँ बहुत सारी कंडीशन में दी जाती है, मैनिया तो नाम से ही पता लग रहा है, तो मैनिया में तो दी ही जाती है, लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें इंपल्सिविटी आती है, जैसे आपने बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ा होगा, चलो ये नहीं पढ़ा तो बुलिमिया नर्वोसा तो सुना ही होगा, बुलिमिया नर्वोसा जिसमें एकदम से खाना बहुत ज़्यादा खा जाता है उसमें भी इंपल्स आ रही है, एकदम से किसी को गुस्सा आ रहा है उसमें भी इंपल्स आ रही है, एकदम से कोई बाल तोड़ के खा जाता है, बाल तोड़ के खाने की बीमारी को क्या बताया था मैंने, ट्राइकोटेलोमेनिया। तो किसी को ट्राइकोटेलोमेनिया है उसमें भी हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, यूनिपोलर डिसऑर्डर है, साइक्लोथैमिया है, इन सब कंडीशन में जिसमें इंपल्सिविटी रही है, तो मैनिया के अलावा किसी भी कंडीशन जिसमें इंपल्सिविटी आती है उसमें हम लिथियम प्रेफर कर सकते हैं या मूड स्टेबलाइजर ड्रग दे सकते हैं। आगे चलते हैं, कितने तरह की दवाइयां हम एंटी मैनिक ड्रग्स में शामिल करते हैं। 3 तरह की दवाइयां होती हैं, लिथियम देते हैं, कार्बिमेजापाइन देते हैं, सोडियम वॉलप्रोएट देते हैं, और किसी किसी कंडीशन जैसे प्रेगनेंसी हम एंटी साइकोटिक ड्रग भी देते हैं। अब आप गाइड खोलोगे ना, तो कहीं तो आपको लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस मिल रहा है, कहीं आपको सोडियम वॉलप्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस मिल रहा है, और कहीं आपको एंटी साइकोटिक ड्रग ऑफ चॉइस मिल रहा है, और कंडीशन एक ही है मैनिया। तो इसमें भी बड़ा ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट है कि लिथियम किस किस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस जाएगा, किस किस कंडीशन में सोडियम वॉलप्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस जाएगा, अलग अलग गाइडलाइन अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड। और ऐसे ही लेवल में भी कंफ्यूजन है, कहीं तो लिख रहा है 1 से कम लिथियम का लेवल रखेंगे, कहीं लिख रहा है 1.2 से ज्यादा रखेंगे लेवल, कहीं लिख रहा है टॉक्सिक लेवल 1.5 माना जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लिथियम एक ऐसी ड्रग है जिस पे कंफर्मली क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं लिथियम के बारे में। मैंने बोला मूड स्टेबलाइजर कहते हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी मैं, मूड स्टेबलाइजर कहते हैं ना। इंडिकेशन में मैंने क्या क्या बोला, मेनिया किसी भी तरह का हो, यूनिपोलर हो, बाइपोलर हो, राइट, मैंने बोला साइक्लोथाइमिया वाला मेनिया हो, साइक्लोथाइमिया हो, इनमें दे सकते हैं, या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो इसमें दे सकते हैं, बुलिमिया नर्वोसा में दे सकते हैं, बुलिमिया नर्वोसा में दे सकते हैं, इसके अलावा ट्राइकोटेलोमेनिया, कोई बाल तोड़ के खाता है अपने, ट्राइकोटेलोमेनिया इसमें दे सकते हैं, किसी को एंगर इश्यूज है, अग्रेसिव है, इंपल्सिव बहुत ज़्यादा होता है, इसमें दे सकते हैं, तो इन सब कंडीशंस में हम दे सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड इंडिकेशन। तो इंट्रोडक्शन लिख लें एंड इंडिकेशन लिख लें, मैं आगे बता रहा हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्यों? क्योंकि भाई जहाँ लिथियम आ गया वहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो होंगे, क्योंकि लिथियम तो ऐसी ड्रग है कि 1.2 से जैसे ही 1.3 1.4 भी होता है ना, तो नॉइजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन पर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। आइए बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन।